राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि बदमाशों को पुलिस का कोई भय नहीं रह गया। बदमाश आए दिन चोरी, डकैती, लूट जैसी वारदातों को आसानी से अंजाम देकर पुलिस के लिए सिर दर्द बन रहे हैं। एक ऐसा ही चोरी का मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना दयालपुर इलाके के नेहरू विहार का है, जहाँ बीती रात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। यह चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से दो चोर दुकान का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रात को बंद करके चला गया शॉप और 12 फोन छोड़ दिए मैंने काउंटर के अंदर। शॉप बंद कर कर गए, फिर ये जो हुआ है ना, ये 2 बजे के चार के आसपास हुआ है। शटर खोल के पहले एक बंदा आता है, कार में से उतर के शटर तोड़ देता है दोनों साइड के। तोड़ने के बाद फिर उसको लगता है कि कोई बंदा आ गया है, तो वापस चले जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आता है, 5-10 मिनट बाद, उसके बाद लॉकर खोलता है, खोलने के बाद शटर उठाता है। फिर दूसरा बंदा आता है कट्टा लेके, जो मतलब थैला जो होता है, थैला लेके वो अंदर घुसता है दूसरा बंदा, शटर उठाता है वो माल भर कर, और फिर वो सबके सब चले जाते हैं। चोर इतने बेखौफ हैं कि सामान भरने के लिए बोरा भी साथ में लाए हैं। बहरहाल इस घटना के चलते दुकानदार परेशान है और पुलिस बेखबर। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।